किसी संत को देखोगे ना तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इस धर्म से हूँ या उस धर्म से हूँ। संत होता है जो प्रभु को समर्पण कर दे हर हाल में, किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, चाहे धरती के किसी कोने पर हो, वो हमेशा जो है ठाकुर जी का ही नाम लेते रहते हैं। और ये जो आप सामने स्थल देख रहे हो, यहाँ आप होली के समय आओगे तो यहाँ लठमार होली खेली जाती है, फूलों की भी होली खेली जाती है। अच्छा। यहाँ लोग इस गांव में यहाँ होली मनाई जाती है। जय जय श्री राधे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऊंचा गांव, जो कि बरसाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज हम आपको जो दर्शन कराएंगे, वो आपको दर्शन कराएंगे श्री नारायण भट्ट जी की समाधि के। अब सबसे पहले मन में विचार आता है कि ये नारायण भट्ट जी कौन थे, नारायण भट्ट जी कौन थे, नारायण भट्ट जी की समाधि कहाँ है, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो आइए आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं। ये देखिए हम उसी स्थान पर चल रहे हैं जहाँ पे श्री नारायण भट्ट जी की समाधि है। और ये वो जगह है श्री जो नारायण भट्ट जी से जुड़ी हुई है, और उनका ब्रज से बहुत बड़ा लगाव था नारायण भट्ट जी का। तो उनके बारे में जो जानकारी है वो हम आपको बतवाएंगे। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे कि नारायण भट्ट जी कौन थे, नारायण भट्ट जी यहाँ क्यों आए, और नारायण भट्ट जी ने ब्रज के लिए क्या किया। ब्रज का जब नाम आता है ना तो नारायण भट्ट जी को भी याद किया जाता है। वो क्या जानकारी है आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज आपको मिलते रहें। हम लगभग उसी स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे नारायण भट्ट जी की समाधि है। ये देखिए ये आप सबसे पहले यहाँ के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर स्थान है। और आप चारों तरफ देखेंगे, ये ऊंचा गांव में स्थित है श्री नारायण भट्ट जी की समाधि के नाम से ये स्थित है। आप कभी भी बरसाना आएंगे तो इसके बारे में जानेंगे तो लोग आपको बता देंगे कि नारायण भट्ट जी की समाधि कहाँ पे है। आइए अब हम आपको श्री नारायण भट्ट जी की समाधि के दर्शन कराते हैं। और ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये जगह है श्री नारायण भट्ट जी की समाधि के रूप में। अब इसको बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। समाधि स्थल श्री ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ब्रजोधारक आप देख रहे हैं, कितना सुंदर स्थान है। और हमारे साथ पुजारी जी हैं, उनसे हम जानेंगे इस स्थान के बारे में क्या विशेषता है और इस स्थान की क्या महत्वता है। तो हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि पुजारी जी यहाँ की विशेषता क्या है। और नारायण, सबसे पहले तो हमारे मन में ये विचार आता है कि नारायण भट्ट जी कौन थे। जी देखिए राधे राधे, नारायण भट्ट जी जो हैं ये बहुत ही उच्च कोटि के संत कह सकते हैं, मैंने संत थे। और ये राजस्थान से थे ये। अच्छा। ये जैसे कि देखो प्रभु का भाव होता है ना, एक व्यक्ति का कि बहुत ज़्यादा भाव जुड़ जाता है तो प्रभु को 24 घंटे साथ ही रखते हैं, कोई भी विग्रह होता है हमारा। तो ठाकुर जी का जो बाल रूप था, जिसे गोपाल जी स्वरूप हम कहते हैं, नारायण भट्ट जी गोपाल जी को अपने कंधे पर बिठाते थे, कभी गोदी में रखते थे, उनको ऐसे साथ लेकर 24 घंटे घूमते थे, उनको एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करा करते थे, वो 24 घंटे उनकी सेवा में ही रहा करते थे। तो देखो जब प्रभु गए थे व्रत छोड़कर, जब प्रभु ने देह त्याग किया था तो सब कुछ जो है जलमग्न हो गया था सब कुछ, तो नारायण भट्ट जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, 24 घंटे साथ रहते थे। और जैसे जैसे वो भ्रमण करते थे धरती पर, ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने जो है ब्रज का प्रागट्य दोबारा कराया उनके द्वारा ही। ये जितना भी हमारा ब्रज का प्रागट्य हुआ है सब नारायण भट्ट जी के द्वारा ही हुआ है। नारायण भट्ट जी ने ब्रज का प्रागट्य द्वारा किया है। ये आप देख रहे हो स्थल, ये न उनकी समाधि है। अच्छा। जो आखिरी समय उन्होंने देह त्यागी थी, उन्होंने इस जगह उनकी समाधि बना दी गई है। ये भव्य, पहले तो देखो बहुत जो है थोड़ा सा गड़बड़ था यहाँ पर, मामला मिट्टी वगैरह थी, कच्चा बना हुआ था,
और जो है ब्रज ट्रस्ट ने जो है हमारी प्राचीन चीज़ों को जो है दोबारा से उभार रहे हैं, उनको संभाल कर रखा जा रहा है। तो ये समाधि इस प्रकार बना दी गई है कि दोबारा जो है खराब ना हो या टूटे ना, इसलिए इनको पूरी सेफ्टी के साथ बनाया गया है। तो ये बहुत ही एक संत की समाधि है, जिसे पब्लिक जो है यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये यहाँ की खास बात है यहाँ की। और ये जो आप सामने स्थल देख रहे हो, यहाँ आप होली के समय आओगे तो यहाँ लठमार होली खेली जाती है, फूलों की भी होली खेली जाती है। अच्छा। यहाँ लोग इस गांव में यहाँ होली मनाई जाती है, यहाँ गीत गायन होता है, यहाँ बहुत भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। ये देख रहे हो जो स्थान बने हुए हैं, ये किस चीज के हैं? ये भी संतों के स्थान है। देखो ये तपस्या करते हैं लोग, जो साधु संत आते हैं यहाँ तपस्या की थी उन्होंने। यहाँ ब्रज के अंदर ऐसी बहुत सी जगहें मिलेंगी आपको। तो ये ब्रज के जो संत हैं उनकी भजन स्थली भी? हाँ, भजन स्थली भी कह सकते हैं, और जो उन्होंने तपस्या की थी वो स्थली भी है ये। क्योंकि यहाँ ब्रज के कण कण में ऐसी ऐसी समाधियाँ बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी मतलब स्थल आपको देखने को मिलेंगे। हर 10 कदम पे या 20 कदम पे कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी संत की समाधि आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज थे हिंदू धर्म के, चाहे वो किसी भी धर्म से लिंक हो, क्योंकि देखो संतों का कोई धर्म नहीं होता है, संतों किसी जात बिरादरी के नहीं होते। संत उसे कहा जाता है जो सभी से रिश्ता तोड़ के ठाकुर जी को समर्पण कर दे। क्योंकि देखो आप किसी संत को देखोगे ना, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इस धर्म से हूँ या उस धर्म से हूँ। संत होता है जो प्रभु को समर्पण कर दे हर हाल में, किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, चाहे धरती के किसी कोने पर हो, वो हमेशा जो है ठाकुर जी का ही नाम लेते रहते हैं। जो हमारी जो श्री राधा रानी जी हैं, उनका विग्रह भी श्री नारायण भट्टी जी के द्वारा ही हुआ है? जी हाँ, जितने भी मुख्य मुख्य हमारे ब्रज के अंदर दर्शन हैं, सभी नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्रागट्य किए गए हैं। दोबारा से उनका जीर्णोद्धार किया गया है दोबारा से इस प्रकार। अच्छा। तो ब्रज के तो देखो कण कण में संतों का वास है, ठाकुर जी का वास है हर जगह। अब लोगों की ये कितने भी संत हैं या मनुष्य हैं, सबका ये एक मन होता है कि हम प्रभु को समर्पण करते करते देह त्याग दें। बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने यहाँ ब्रज के अंदर तपस्या करते करते, ठाकुर जी का भजन करते करते देह त्याग दी है। और अगर आप ब्रज को सर्वस्व रूप से समर्पण करते हो तो उनके दर्शन आज भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो दर्शन नहीं देते, वो संत आज भी दर्शन भी देते हैं, और लोगों ने देखा भी है इस चीज़ को, आजमाया हुआ। बस एक समर्पण करने वाला चाहिए जो प्रभु को समर्पण कर सके। बहुत ही सुंदर भाव सुन रहे हैं जो भी हमें दर्शक देख रहे हो, तो हमारे स्वामी जी के या महाराज जी के भावों को थोड़ा सा विचार करें इन पर। तो दोस्तों आज हम जो स्थान पे आए थे वो है नारायण भट्टी जी की समाधि। श्री राधा रानी जी का विग्रह श्री नारायण भट्टी जी ने ही प्रकट किया था, और हमारे जो ब्रजमंडल के जो भी प्रमुख स्थान हैं उनका प्रागट्य भी श्री नारायण भट्टी जी के द्वारा ही किया गया। और ऐसा भी कहते हैं कि पूरे ब्रज को ही श्री नारायण भट्टी जी ने दोबारा से जीर्णोद्धार किया। तो बहुत ही पवित्र संत हैं, दिव्य संत हैं, उनकी स्थली पे आज हम आए, उनके दर्शन किए, आपको भी उनके दर्शन कराए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज मुझे अनुमति दीजिए, राधे राधे।